जल्दी है क्या उड़कर जाएगा? अरे भाई बहुत जल्दी है, किसी के बच्चा होने वाला है, डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। अरे डॉक्टर क्या करेगा, जरा सौंठ गुड़ दे दिया और हो गया, चले हो डॉक्टर को। अरे भाई फाटक खोलो, तुम कहाँ के हो? तुम भवानीगढ़ के? भवानीगढ़ के? ओहो, क्या मालूम नहीं भवानीगढ़ वालों को हैरोगढ़ में आने का हुक्म नहीं है? जाओ जाओ। ओ, हुकुम नहीं है? साहिबा की तबीयत? जी अभी तक बच्चा नहीं हुआ, फौरन चलिए वरना जान का खतरा है। चलिए डॉक्टर साहब, महाराज बहुत घबरा रहे हैं। अभी चलता हूँ, आप फिर आइए। गाड़ी है? मेरा घोड़ा है, जाइए। और तुम? मैं आ जाऊंगा किसी तरह। अच्छा, यही है वो। ए, समझा होगा, सरहद पार कर जाऊंगा। क्यों, ले चलो इसे महाराज के पास। Thank you.
दिया। माधव सिंह को लाए हैं। हैं? कौन? भवानीगढ़ का खास आदमी माधव सिंह। माधव सिंह? ओ यही है भवानीगढ़ का माधव। माधव, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं? माधव सिंह कहो। हिम्मत, अदब से बात करो। माधव सिंह जी। माधव सिंह जी। श्रीमान, श्रीमान माधव सिंह जी कहो हिम्मत। और कुछ? तूने समझा होगा कि मैं गोली चला दूंगा। तुझ पर? अरे शेर पर नजर रखने वाला क्या कभी मच्छर मारेगा? जमींदार, महाराज कहो। अपने मालिक के सिवा यह जबान किसी को भी महाराज नहीं कह सकती। नहीं कह सकती। बड़ा वफादार नौकर, और इस वफादार नौकर का एक मालिक महेंद्र सिंह, महाराज महेंद्र सिंह, जिसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे जालिम, डाकू, कातिल कहकर पुकारा, वो आज महाराज कहलाता है। घमंडी कहीं का। मैं अपने राज में चाहे लूटूं, मारूं, कत्ल करूं, वो कहने वाला कौन? उस दिन हमारे आदमी तुम्हारे जंगल में शिकार खेलने गए तो उनको मारकर भगा दिया गया। सुनो, अब हम तुम्हारे शहर में जाकर शिकार करेंगे। अगर मैं तुम्हारे भवानीगढ़ की ईंट से ईंट बजाकर, जलाकर, फूंक कर खाक में न मिला दूं, तो मेरा नाम जोरावर सिंह नहीं। इस इलाके पर या तो महेंद्र की हुकूमत होगी या जोरावर सिंह की। ये बात अपने मालिक से जाकर कह दो। जाओ। माधव सिंह, इतनी देर कहां लगाए? महाराज, फिर अर्ज करूंगा, डॉक्टर साहब तो आ गए ना, रानी साहबा की तबीयत। डॉक्टर? दो लड़के। दो लड़के? क्यों डॉक्टर, क्या बात है? महाराज, आप मजबूत दिल के हैं और अब आजमाइश का वक्त आ पहुंचा है। क्या मतलब डॉक्टर? ये जुर्मा पैदा हुए हैं, ऐसी हालत में क्या ये जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तब क्या किया जाए? ऑपरेशन करके इनके जिस्म जुदा कर दिए जाए तो मुमकिन है जिंदा रह सके। मासूमों को चीरा फाड़ा जाए? और कोई चारा नहीं, यूं भी तो ये जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर कीजिए जैसी भगवान की मर्जी। बच्चों को ला। चाकू, ये नहीं छोटा। कैंची।
फिक्र की कोई बात नहीं, बच्चे जी गए। डॉक्टर आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, आपने भवानी वंश का पुस्तक पर चिराग रोशन कर दिया। जुड़वा बच्चे, नामकरण धूमधाम, हिम्मत हमें भी तो बुलावा आएगा। क्यों क्या श्रीमान जोरावर सिंह बहादुर, उसको वो पाजी है, उसे बुलावा मत भेजो। आसपास के चूहे बिल्लियों तक को बुलावा भेजा गया है मगर हमको नहीं। खैर नहीं बुलाया तो न सही। हिम्मत हमें खुद जाकर उन जुड़वा बच्चों से जान पहचान कर लेनी चाहिए ना। हम फैसला कर चुके हैं कि इस मुबारक मौके पर बिना बुलाए ही जाएंगे। उस महाराज महेंद्र सिंह के जश्न, खुशी, धूमधाम, दावत और महफिल का रंग हम अच्छी तरह जमा देंगे, बड़ी अच्छी तरह जमा देंगे। को तो नहीं बुलाया था हमने। खैर आने दो, घर आए हुए दुश्मन का भी अपमान नहीं करना चाहिए।
जोरा से लड़ने आया महेंद्र सिंह, तेरा आखिरी वक्त था पहुंचा। आखिरी वक्त तेरा या मेरा? महारानी साहबा, अब आपके यहाँ रहने में जान तक का खतरा है। जल्दी जल्दी कीजिए। रानी साहिबा, रानी साहिबा, महाराज को सोरावर सिंह ने मार डाला। जल्दी पानी, जल्दी। डॉक्टर साहब, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। मेरी फिक्र न कीजिए, मेहरबानी करके मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, उनको आफत से बचाइए। डॉक्टर साहब, मेरे लिए ठहरे तो भवानी करके, ये आखिरी निशान भी मिट जाएंगे। जाइए, जल्दी बच्चों को ले जाइए, जाइए। भैया, तुम्हें तो मालूम ही है भवानीगढ़ को किस बेदर्दी से खाक में मिलाया गया। उस मजलूम खानदान के यही आखिरी निशान है। अब इनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए तुमको मैंने यहाँ बुलाया है। ताज्जुब की बात है, जब वो रोता है तो ये भी रोता है, और वो चुप हो जाता है तो ये भी चुप हो जाता है। ये क्या बात है भैया? क्या बताऊं, पैदाइश के वक्त ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऑपरेशन करके मैंने इन दोनों को जुदा किया, जिस्मों को तो मैंने अलग कर दिया, लेकिन इनके एहसास को
भावनाओं को शायद मैं अलग ना कर सका। कैसी अनोखी बात है, कभी देखी न सुनी। माधव सिंह, डॉक्टर साहब सब कुछ बर्बाद हो गया। जालिमों ने सारे महल को लूट कर जलाकर मटिया मेट कर दिया। रानी साहब और उनके मासूम बच्चे भी आग में जलकर खाक होंगे। ये क्या सितम टूटा डॉक्टर साहब? माधव सिंह, बच्चों को मैंने बचा लिया है। क्या बचा लिया आपने? कहाँ कहाँ है वो बच्चे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कौन? अरे क्या है चंदन? क्या पूछो सरकार, भवानीगढ़ में जो मारकाट मची थी ना। हाँ हाँ, तो उसमें तुझे क्या हुआ? उस वक्त इस हाथ से जो मैंने तलवार उठाई तो कंधा कर से लचक गया। उसी वक्त से वो दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है कि डॉक्टर साहब कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? जरा देखो तो। अरे हड्डी कहाँ टूटी है। हाँ तो और क्या क्या हुआ वहां? अजीबो भानीगढ़ भर से जल के राख हो गया। वो राजा, वो रानी, सब जड़ से उखड़ के जा पड़े। और जो हाल के पैदा हुए जुड़वा बच्चे थे ना, वो भी। ये क्या, कोई बच्चा रोया? मैटरनिटी केस है, बच्चा पैदा हुआ। हाल का बच्चा इतना गला फाड़ेगा? और आपके यहाँ बच्चे भी? अरे बाप रे, मर गया। किलो डुलो मत। ये किस लिए डॉक्टर जी? पहले ही इलाज करा लेना था ना, खामखा इतनी मुसीबत मोल ले ली तूने। मैं पूछू, ये चक्कू किस लिए डॉक्टर साहब? तेरी नब्ज हड्डी से जा लिपटी है। क्या कही? आराम से बैठा रहे। इसी से डर गया तू? खून को देखकर चक्कर तो नहीं आ जाता तुझे? क्यों, क्या कुछ काट छाट करोगे? नहीं नहीं, मैं घर जाके हल्दी लगा दूंगा। ए चंदन, चंदन, आ आ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरी हल्दी भली। यहाँ खतरा है, बच्चों को इस घर में अब एक पल भी रखना ठीक नहीं। इस घर में क्या, इस शहर में भी रखना ठीक नहीं। ऐसा है तो बच्चों को हमारे हवाले कर दो, अपने यहाँ ले जाकर हम इन्हें पाल पोस लेंगे। ये ठीक नहीं, दोनों बच्चों को एक जगह रखने में खतरा ही खतरा है। किसी को पता चल गया तो न जाने क्या हो जाए। एक रास्ता है, एक बच्चे को आप ले जाए और दूसरे को मैं दूर कहीं जंगल में ले जाके पालूंगा। जंगल में? हाँ डॉक्टर साहब, यही एक उपाय है जिससे किसी को पता ना चलेगा। डॉक्टर साहब, बच्चे की मैं अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा, जो कुछ मुझे आता है सब इसे सिखा दूंगा। आगा पीछा न कीजिए डॉक्टर साहब। ऐसा ही करेंगे। ओ
विक्रम चल पटे हाँ विक्रम, अब तुम्हें कोई नहीं जीत सकता। ये सब तुम्हारी ही तालीम है माधो। मर झुके देखा जी, नाच बहुत अच्छा है। अरे वो नहीं, गिरे बतीसों पता लगा था।
हिम्मत, तो तुम समझ गए मैं सब कुछ ठीक करके आ तो है आप। माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। क्या कहा आपने, मुझे नहीं पहचाना? रास्ता छोड़िए। यूं बिगड़ने से काम कैसे बनेगा पिताजी। ए, हट एक तरफ। अरे ये कौन है बताओ। विक्रम, क्या हुआ? कोई सपना देखा? कितनी खूबसूरत। खूबसूरत कौन? वाह, वो जीने पर खड़ी कितनी हसीन मालूम होती थी। वो बदमाश उसके करीब आया, मैं उस पर टूट पड़ा और उसने मुझे यहां जख्मी कर दिया। अरे बाबा, तुम्हें किसी ने जख्मी नहीं किया, सो जाओ चुपचाप। देखो मेरी आंखों के सामने खड़ी है जगमगाती पोशाक। वाह, किस अंदाज से खड़ी है, वो देखो। अरे क्या देखूं, वहां तो नीम का पेड़ खड़ा है। सो जाओ सो जाओ। ठहरो माधव, वो कुछ कह रही है। बस बस, मालूम हो गया तुम पर मोहिनी फिर गई है। वो मुझे छू रही है। क्या फूल से नरम नरम हाथ है। अब दर्द कैसा है? बहुत कम है। Thank you.
वाह कितना अच्छा था। क्या अच्छा था? मेरा गाना? एक बात हो तो बताओ, तुम्हारा गाना, बोलना, देखना सब कुछ अच्छा है। संजना, मैं बहुत ही खुश नसीब हूं। कैसे? क्या वो खुश नसीब नहीं जिस पर रंजना जैसी हुस्न की रानी की मीठी नजर हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा हुस्न जमाने में सबसे आला है। क्या मतलब? मतलब ये कि दिल फरेब रंजना ने मेरा दिल चुरा लिया है। मतलब ये कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। क्या है अलबेली? आपका नौकर एक चिट्ठी दे गया है, कहता था जरूरी है। रंजना, डॉक्टर साहब ने मुझे फौरन बुलाया है, मैं जाता हूं। क्या अभी जाना होगा? हाँ रंजना, फिर मिलेंगे। मतलब ये कि आज की अधूरी कहानी सुनाने के लिए वो कल फिर हाजिर होंगे। ठीक, बताती हूँ तुझे। डॉक्टर साहब, आपने मुझे फौरन आने को लिखा था, क्या कोई खास बात है? बगैर किसी खास बात के मैं तुम्हें न बुलाता। आज तुमने अपनी उम्र के 20 साल पूरे करके 21वें में कदम रखा है। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का एक खास दिन है। मेरे साथ चलो। बर्बादी ही बर्बादी, यहां मुझे क्यों लाया? डॉक्टर साहब, बगैर जरूरत के आप मुझे कभी नहीं बुलाते। माधव को भी कुछ? वो तुम ही हो ना जिसकी नाटक घर के जीने पर एक हसीन लड़की से मुलाकात हुई थी, जो जगमगाती पोशाक पहने थी, और वहां किसी ने तुम्हें जख्मी किया था, यहां पर? हाँ हाँ, मगर तुमने कैसे जाना? देखा, तुम कहते थे मैं सपना देख रहा हूं, मुझ पर मोहिनी फिर गई है। अब विक्रम, ये तुम्हारे भाई हैं, विजय सिंह। भाई?
डॉक्टर साहब, आपने कभी नहीं बताया कि मेरे एक भाई भी हैं। हम दोनों की सूरतें हूबहू मिलती हैं। मिलनी ही चाहिए, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जुड़वा पैदा हुए थे। तुम राजकुमार हो, ये टूटा हुआ मंदिर तुम्हारी कुल देवी का है। ये चारों तरफ का इलाका जो बर्बाद और तबाह नजर आता है, किसी जमाने में तुम्हारा था। करीब 20 साल हुए। यही तुम्हारे खानदान की दर्दनाक कहानी है। आज मेरा वचन पूरा हुआ जो मैंने उस दिन तुम्हारी माता को दिया था। विजय, विक्रम, ये रोने का वक्त नहीं है। तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा देने वाला दुश्मन जोरावर सिंह अभी जिंदा है। भवानी वंश के नौनिहालो, तुम्हारे खानदान की बर्बादी तुम्हें रो रो कर पुकार रही है। तुम्हारी गैरत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बहादुरी तुम्हें ललकार रही है। तुम दोनों जवान हो, तुम्हारे हाथों में तलवार उठाने की ताकत है। तुम्हारी रगों में भवानी वंश के वीर पुरुषों का खून दौड़ रहा है। भवानी वंश की मान मर्यादा, इज्जत, आबरू अब तुम्हारे हाथ है। जोरावर, जोरावर, कसम है मुझे इस कुल देवी की टूटी हुई प्रतिमा, कसम है मुझे इस पवित्र भूमि की जिस पर मेरे माता पिता जिए और मरे। जब तक अपने खानदान के दुश्मन जोरावर सिंह को नेस्त तो नाबूद न कर दूंगा, तब तक मैं चैन से न बैठूंगा। मैं न कहो, हम कहो, हम अपनी मां के आंसू की कसम खाकर कहते हैं कि हम जालिम से बदला लेकर ही छोड़ेंगे। तुम औरत हो या बिजली, दम भर के लिए भी सीधी न रहोगी। क्यों, मैं क्या टेढ़ी हूं? पता नहीं आजकल कौन समाई है हुजूर के दिल में कि हम नजरों में भी नहीं आते। राजशेखर आ रहे हैं। अच्छा, आइए आइए। बैठिए। महाराज ने आपको इसलिए बुलाया है कि अकेले में आपसे कुछ सलाह करें। ये बात, मैं खुद आपके पास आने वाला था। ये बात, रियासत का काम इतना बढ़ गया है कि जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती। ये बात, और रियासत भी तो कोई छोटी मोटी नहीं है ना। हाँ हाँ, मेरे बाद इतनी बड़ी रियासत संभालने के लिए एक वारिस जरूर होना चाहिए। इसीलिए सोच रहा था कि एक शादी। ये बात शौक से कीजिए। देखा हिम्मत, ये भी मानते हैं। क्यों नहीं, समझदार आदमी है। हाँ हाँ, फिर भी इनकी जबान से इनकी रजामंदी ले लेना तो जरूरी है ना। मैंने अपनी तरफ से तो आपकी लड़की रंजना से शादी करने का इरादा कर लिया है। क्या क्या कहा? आपके और हमारे खानदानों के मिल जाने से रियासत को 4 चांद लग जाएंगे। हमारे और आपके खानदान कैसे मिल सकते हैं, छोड़िए इस बात को। जी हाँ, आपके और हमारे खानदान कैसे मिल सकते हैं। हिम्मत, इनको अच्छी तरह सोच लेने का मौका दो।
क्यों, काम नहीं बना? है कितनी दफा तुझसे कहा है कि दरवाजे की आड़ से ताक झांक न किया कर, चोरी छुपे न सुना कर। गलत गलत, ऐसे नहीं खेलते। क्यों नहीं, खेल के भी तो कायदे कानून होते हैं ना, जीतने के लिए क्या मनमानी कर सकते हो? बेशक, मुझे सिर्फ जीतने से मतलब है, कानून वानून कुछ नहीं। अनाड़ी पर इसी को कहते हैं ये बात। क्यों, अब क्या कहते हैं राजशेखर साहब? सोच रहे हैं हमारे महल में निहायत इत्मीनान से। अच्छी बात है, खूब सोच लेने दो। ये क्या गड़बड़ है? ये क्या गड़बड़ है महाराज? आज सवेरे 11 बजे पश्चिमी सरहद पर उन लोगों ने हमारे हवलदार को मार डाला। मार डाला किसने? एक तिरछी टोपी, नीली कुर्ती, भूरी घोड़ी वाले ने। ये खूनी का खंजर है महाराज। जुल्म, सितम, पूर्वी सरहद पर हमारे तहसीलदार मार डाले गए। एक तिरछी टोपी, नीली कुर्ती, भूरी घोड़ी वाले ने आकर क्या बकता है? नहीं महाराज, ये देखिए सवेरे 11 बजे और उधर जी सवेरे 11 बजे। बिल्कुल झूठ, बकवास। ये कहता है कि वो पश्चिमी सरहद पर था, तू कहता है कि वो ही आदमी उसी वक्त पूर्वी सरहद पर था। एक ही आदमी एक ही वक्त दो जगह कैसे हो सकता है? वही आदमी, बिल्कुल वही आदमी। निकलो सब यहां से, निकलो। तिरछी टोपी, नीली कुर्ती, भूरी घोड़ी। हिम्मत, इसमें जरूर कुछ भेद है, पता लगाओ। आदमी तो हाथ आते हैं मगर वो तो बाहर ही नहीं निकलता। घबराओ मत, जूं ही हमारे हमले की खबर उसके कानों तक पहुंचेगी वो तिल मिलाकर बाहर निकल आएगा। क्या मालूम वो बाहर निकलेगा या किले के और भी अंदर जाकर दुबक जाएगा। ये भी अच्छा है, हम उसे किले के अंदर जाकर दबोच लेंगे। ए, कितनी देर लगा दी, हो गया सरकार। जल्दी कर जल्दी कर, अभी होता है। जल्दी जल्दी, अभी सरकार। हिम्मत, इधर आ इधर आ, देख तो आईने में ये कौन है बांका जवान, पहचाना इसे? आह, नशीली आंखें, नुकीली मूछें, भरपूर जवानी, वाह। आज तक मुझे पता न चला कि मुझ में इतनी खूबियां भरी हैं। हिम्मत, इन सब बातों के ख्याल से दिल में गुदगुदी होने लगती है। जरा सा जरा सा। हाँ तो रंजना को खबर भिजवा दी है ना कि हम आ रहे हैं? जी कब की भिजवा दी? तो फौरन चलने की तैयारी करो। Thank you.
सच सच बता, देखने में मेरी उम्र कितनी मालूम होती है। बीस या बाईस? झूठा कहीं का। तू कौन है, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? जी हाँ जल्दी ही जा रहा हूँ। अरे वो तो देख ही रहा हूँ, किससे मिलना है? अजी वो शहर से आए हैं ना, विजय सिंह साहब, उनसे। देखिए ये चिट्ठी उन्हें देनी है, इसमें कोई खास खबर है। अच्छा लाओ मुझे दो। ओ आप ही हैं? अच्छा जाओ मैं उन्हें दे दूंगा। तो आप नहीं हैं वो? वाह साहब वाह, अच्छे रहे आप। मैं तो इतनी दूर से खास उन्हें को चिट्ठी देने आया हूँ। और अच्छा आओ मेरे साथ। तुम यहाँ ठहरो। क्यों भाई वो क्या खत है? लाओ। अरे वाह, जरा गए और चले आए तो क्या चिट्ठी दे दूंगा। वो कहाँ है? कौन? विजय सिंह साहब। ये है। ये वो है, वो ये है, कौन कौन है कौन जाने। अच्छा साहब अब ठीक ठीक बता दो, आप दोनों में से उस नीम तले कौन मिला था? मैं मिला था। तो तुम विजय सिंह नहीं हो, ये है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, यही रहो। अरे बाप रे, फिर गड़बड़ हो गई। हाँ वो विक्रम, मुझे फौरन शहर जाकर रंजना से मिलना होगा, उसने लिखा है बहुत जरूरी काम है। खामोश। अच्छा फेस बनाया डाकुओं जैसा, ये क्या खेल का वक्त है? क्यों नहीं। अच्छा अच्छा, वो जोरावर आ रहा है, सब मिलकर खूब खेलेंगे। क्या जोरावर यहाँ आ रहा है? इसीलिए तो तुम्हें वो खत भेजा था। क्यों आ रहा है यहाँ? वो लोग आ गए, अब क्या करें? घबराओ मत, जो कहूँ वो करो। तुम नौकरानी के कपड़े पहनो, फिर यहाँ से बच निकलना आसान हो जाएगा। मैं गाड़ी लिए बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्यों ठीक है ना? बड़ी अच्छी तरकीब है। देखो हूबहू नौकरानी की नकल करना, समझी? भूलना मत। मुझे एक और तरकीब सूझी है,
तुम्हें नौकरानी के कपड़े पहना के मैं रंजना बन जाऊं। आओ आओ। कहीं तू फंस गई तो? मेरी फिक्र मत करो, मेरा वो क्या कर लेगा। देखो संभल के जाना। तुम इस घर की नौकरानी हो? जी माफ करिए हुजूर, मैं अनजाने में आपके सामने आ गई। मुझे जाने दीजिए, मुझे डर लगता है। डरो मत, तुम इस घर की काम करने वाली हो। उफन मालकिन है, कहीं देख लिया तो गजब हो जाएगा। जरा भूल गई। नौकरानी इतनी हसीन है तो हसीन रंजना। रंजना तुम्हारा एक जीती जागती पुतली की तरह नाजो अंदाज से खड़े रहना मेरे दिल को मौन बना रहा है। कितनी लचीली, कितनी शर्मीली, जितनी ही तुम शर्माती हो मेरे दिल में मोहब्बत का जोश बढ़ाती हो। देखो तो मैं अपनी शान शौकत, मान मर्तबा, ऐश और आराम सब कुछ भूल भाल कर इतनी दूर आया हूं। रानी अपने पतले पतले रसीले होठों से मुस्कुराकर इस भैरवगढ़ के मालिक को अपना गुलाम बना लो। महाराज माफ कीजिए, आप खड़े खड़े बातें करें ये हमें अच्छा नहीं लगता। आहा, तुमने मुझे महाराज कहकर पुकारा, मैंने सब कुछ पा लिया। आलू, मूली, मटर, टमाटर और गाजर। हाँ हाँ गाजर, आलू, मूली, मटर, टमाटर, गाजर, पापड़ और पकौड़ी, चटनी, चटपट गरम मसाला। हाँ चटपट गरम मसाला, गरमा गरम जलेबी हो तो हाजिर खाने वाला। हाय भूखे खड़े सिपहिया मेरे, मैं क्या करूँ अकेली। हम सब मदद करेंगे तेरी ऐ नाजुक अलबेली। हाँ तो आओ आओ। जइयो जइयो ओ जइयो जइयो सिपहिया बाजार, दाल मेरी चूल्हे गड़े लइयो 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 जिनेबू अचार, दाल मेरी चूल्हे गड़े ओ जइयो जइयो। ए जी थानेदार जी चूल्हा जलाओ
चौकीदार तथा तीस कल्लदार जी हो तीस कल्लदार जी हमें हवलदार कहते सब हमको सरकार जी आओ नी सरकार जी लो पकड़ी मजेदार लेना चप्पू चौकीदार रखियो रखियो जी दूर तलवार दाल मेरी चूल्हे चढ़े ओ जइयो 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 सिपहिया बाजार दाल मेरी चूल्हे चढ़े ओ जइयो जइयो बेस पीछे थाको चमुक्का मैं बंगाल अनबन जाऊं गोल गोल रसगुल्ले तुम्हें चखाऊं मैं बंगाल अनबन जाऊं ओजी धर्म तल्ले वाली रोंगीला 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 रे रोंगीला 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 रे हमारे छाड़िया बंधु कोई कोई गेला रे रोंगीला 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 रे रोंगीला आमी हो वो चांद बंधु तुमी हो यो पानी आमी हो वो चांद बंधु तुमी हो यो पानी तुम्हाते आमादे तबे हो बे जाना जाने तुम्हाते आमादे तबे हो बे जाना जाने ओहो रोंगीला 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 रे रोंगीला सुनियो इधर नहीं तकना मैं क्या असी भी है गया मैं पंजाब अनबन जाऊं ठंडी मिठी लस्सी तुम्हें पिलाऊं मैं पंजाब अनबन जाऊं फौजी अनार तली वाली बेड़ी लगी है किनारे ते ओए बेड़ी लगी है किनारे ते ओए दुनिया में मार सुटा तेरे इकवे इशारे ते ओए दुनिया में मार सुटा हाँ तेरे इकवे इशारे ते आसमानी ते इल फिर दी ओए आसमानी ते इल फिर दी ओए तेरी मेरी हित जिंदड़ी खाबे विच नित मिल दी ओए तेरी मेरी हित जिंदड़ी खाबे विच नित मिल दी अरे हमें तो आई मुआ छे तमे कोई ने लस्सी ने कोई ने रसगुल्ला आपो छो हमें शू खोटा छे हां माओ ने मैं गुजरातन बन जाऊं चौपाटी का चूड़ा भेल खिलाऊं मैं गुजरातन बन जाऊं ओजी कालब देवी वाली भारी बेड़ा ने तो नाजुकड़ी नार ओए मां भारी बेड़ा ने तो नाजुकड़ी नार हेम करी पानी ना भराए दे कमरिया पुलवाने काट दे तो जुवे चे जो ने शणगार है लोगों तुए चे जो ने सारा शणगार कोई नी नजर न लगे जाए रे बमरिया कुवाने काटड़े कोई नी नजर न लगे जाए रे बमरिया कुवाने काटड़े अड़ा ना और तेंगे काट गिटे इरके नी वाट कंगे आड़ गिटे इरके इपड़ियों को जम पारम्मा मैं मद्रास अनबन जाऊं इडली डोसा सांबर तुम्हें खिलाऊं मैं मद्रास अनबन जाऊं ओजी मायलापुर वाली आशवचने होए आशवचने नाशवचने मीशकार मचा मेले आशवचने मीशकार मचा मेले आशवचने होए आशवचने नाशवचने नडया नडया यही नडया नडया यही नादांग कादळगी नडया नडया यही नादांग कादळगी सिमटी नडगईले नी सिमटी नडगईले शिवम बर पोगदनी सिमटी नडगईले शिवम बर पोगदनी ऐसे देखे सुने ना गवार गाल मेरी चूले जड़ी ओ जइयो 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 सिपहिया बाजार गाल मेरी चूले जड़ी ओ जइयो 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 जइयो
किधर चली? आय हाय, अपने घर चली और कहा? रास्ता छोड़ो ना वाजी, मेरी बात देख रहा होगा, गुस्सा करेगा। कौन? मेरा घर वाला। और कौन? घर वाला? ए, हमसे भी उड़ती हो क्यों? बता कहाँ है वो? ओ, ठीक कही तेने। अच्छा, अरे ओ भाई, घरवाली आई है तेरी, इसे घर ले जाना है कि नहीं? क्यों रही हुड़दंगी, कहाँ मर रही अब तलक है? कब रोटी पोएगी, कब खिलाएगी? जिसके मत्थे तुझ जैसी पड़ जाए उसकी तो तकदीरी फूट गई। अरे वाह, तो इतने लाल पीले काय को हो रहे हो, बड़े आए ठोंस जमाने वाले। मैं क्या निछली बैठी ही? हड्डियों खुजारी दिख रहा तेरी, घर तो चल जरा। है ये हेतनी किसी और को दिखाइयो, मुझ पे हाथ बात उठाया तो माँ के घर चली जाऊंगी, कोई भूखे घर की समझाओ मुझे। अरे झगड़ते क्यों हो भाई, जोर उम्र में तो दादा की किट होती आई है। तुम ही बताओ भैया, मैं कब से खड़ा यहाँ सूख रहा हूँ। अरे जाने भी दो, चल बैठ गाड़ी में। भैया जी, तुम्हारे कहने से छोड़ दिया? नहीं तो चल रही हुड़दंगी, बैठ। है हुड़दंगी फुड़दंगी मत कहियो, जबान संभाल के बोलो। हाँ, ओहो, ये बात। अच्छा भैया जी, फिर मिलेंगे। रंजना, यूं मुंह मोड़े कब तक खड़ी रहोगी? शायद तुम्हारा ख्याल है कि मैं देखने में कुछ सख्त हूं। हां, मैं देखने में जरूर ऐसा हूं, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि इस पत्थर से जिस्म के अंदर एक मुलायम दिल भी है। रंजना, ये क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? मैंने कहा सुनते नहीं हो? अहमक है सबके सब, गधे कहीं के, ये भी नहीं जानते कि नई जगह आकर किस तरह बताओ। ये क्या तमाशा है? नहीं सरकार, वो दाल वाली। कौन? वो नौकरानी हम सबको भीतर बंद करके किवाड़ लगा के चलती बनी है। हिम्मत, ये क्या मामला है? कहाँ है वो? कौन सरकार? वही नौकरानी। वो तो कब की चली गई? अपने घर वाले के साथ। क्या? जी हाँ, खुद मैंने उसे गाड़ी में बिठा के भेजा। बुद्धू बेवकूफ कही के, लाना थे तुम पर और तुम्हारी पहरेदारी पर। दूर हो, जाओ मेरे सामने से, जाओ। हिम्मत, इसमें जरूर कोई चाल है, मेरे साथ आओ। कौन है तू?
मैं कौन? मैं अलबर। हिम्मत, देखा क्या क्या चालें चली है इस छोकरी ने। और रंजना भाग गई। जब तक तुम जैसे बेवकूफ मेरे सलाहकार है तो क्यों ना भागेगी। अलवेली, शाबाश, तुम बड़ी होशियार हो, नौकरानी हो तो तुम जैसी हो, तुम जा सकती हो, जहां जी चाहे जा सकती हो। सुनो, ये तुम्हारी कारगुजारी का इनाम। बड़ी कृपा महाराज। ये क्या, उसे जाने दिया? तुम्हारी तो अक्ल मारी गई, इसे यहां रोक रखने में क्या फायदा था? इसको छोड़ देने से ही उसको पकड़ सकते हैं। इसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए जासूस भेज दो। जिस तरह भी हो रंजना को पकड़ लाना होगा। ये देखा, यहां भी वही खंजर। जगह है जंगल में मंगल। विक्रम कहां है? रंजना, ये मेरा भाई है विक्रम। क्या ताज्जुब, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आते हो। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। मुझे? जगमगाती पोशाक पहने तुम किस अंदाज से खड़ी थी। तुम जैसी सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। विक्रम, ये बातों का वक्त नहीं है। यही मौका है जोरावर पर हमला करने का। वो भैरवगढ़ को लौट रहा होगा। अगर इसी वक्त धावा बोले तो उसे जंगल के बीच ही में घेरा जा सकता है। विक्रम, देर हो रही है, कहीं जोरावर हाथ से ना निकल जाए। आओ चलें। रंजना, तुम यही रहो, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। चलो विक्रम। चलो चलो सब, अच्छा शिकार है, आओ जोरावर पर टूट पड़े।
इस दफा तो वो निकल गया। देखें कब तक बचता रहेगा। मधुबन की बातें याद हैं, रानी मधुबन की बातें याद हैं, राजा सपनों की रातें याद हैं, राजा सपनों की रातें याद हैं। आओ मेरी कसम, जाओ जाओ बलम, आओ मेरी कसम, जाओ जाओ बलम, तेरी मेरी जो ये मुलाकात है, चार नैनों की तेरी मेरी जो ये मुलाकात है, चार नैनों की ये बारात है, दुनिया मेरी ये मुस्काई मोरे अंगना, आहा मोरे अंगना में। हसीनों से हारे जीते हैं उनके सहारे। रंजना विजय कोई खबर मिली रंजना की? जी नहीं। नौकरानी की? जी नहीं। और वो तिरछी टोपी नीली कुर्ती? तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं, मैं ही दे लूंगा। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं।
मैं तो समझा था कि आप सिर्फ बेवकूफ हैं, मगर आज मालूम हुआ कि आप बेवकूफों के बादशाह हैं। जरा ये प्याला तो दीजिए मुझे। क्यों, क्या इसमें रंजना को ढूंढोगे? दीजिए तो। क्या ये भवानीगढ़ से लाई हुई चीजों में नहीं था? हाँ। अब पता चल गया, वो जुड़वा बच्चे मरे नहीं, जिंदा है। क्या बक रहे हो, वो तो कब के आग में जलकर खाक हो गए। क्यों, डॉक्टर शंकर भी तो उसी आग में फंसे थे, क्या वो अब जिंदा नहीं है? देखिए उन जुड़वा भाइयों का फेंका हुआ खंजर, इस पर ये त्रिशूल का निशान, और देखिए ये प्याला, इस पर भी वही निशान, और त्रिशूल का निशान भवानी वंश का निशान है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, उनके सिवा आपका दुश्मन और कौन हो सकता है? 20 साल तक छुपे रहने के बाद वो जुड़वा भाई अब आपसे बदला लेने के लिए मैदान में आए हैं। शाबाश। यही नहीं, आपका दिल जलाने के लिए रंजना को भी वो ही ले गए हैं। हिम्मत, मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूं, तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। मेरे हैं मैं उनकी हैं मीठी मीठी बातें, मजे की मुलाकातें हो, मजे की मुलाकातें। नदी किनारे पिया पुकारे, नदी किनारे पिया पुकारे, मेरी बात निहारे हो, मेरी बात निहारे हो, साजन सांझ सकारे हो, साजन सांझ सकारे, साजन सांझ सकारे हो, साजन सांझ सकारे। मजे के ये दिन है, मजे की है रातें, मजे की मुलाकातें हो, मजे की मुलाकातें। माधो, विक्रम कहाँ जा रहा है? क्या मालूम, कुछ दिनों से उसके रंग ढंग बदले हुए से नजर आते हैं। विक्रम, इस वक्त कैसे? डॉक्टर साहब, आपने हमें बचपन से पाला पोसा है,
आप हमारी अजीबोगरीब पैदाइश और जिंदगी के राज से वाकिफ हैं। बताइए डॉक्टर साहब, क्या मुझे उम्र भर अपने भाई की छाया बनकर ही जीना पड़ेगा? क्या उसके हंसने पर मुझे भी हंसना होगा, उसके रोने पर मुझे भी रोना होगा? क्या मेरी अपनी कोई अलहदा जिंदगी नहीं है? शांत हो विक्रम, इतने घबराओ मत, इत्मीनान से बात करो। जंगल में चरिंदे परिंदे तक आजादी की जिंदगी बसर करते हैं, मगर इंसान होते हुए भी क्या मुझे पराये जज्बात और ख्यालात का मोहताज होकर जीना पड़ेगा? आपको क्या मालूम डॉक्टर साहब, जब वो अपनी प्रेमिका के साथ हंसता बोलता है, मोहब्बत के गीत गाता है, तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है? आप डॉक्टर हैं, आप चाहे तो मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी आप जीना चाहता हूं, इसका कोई इलाज बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। विक्रम, तुम्हारे दिल की हालत मैं जानता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं है तो कम से कम मुझे जहर देकर मार ही डालिए। अब मैं और ज्यादा ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो उसे मरना होगा या मुझे। कौन है? जोरावर सिंह। जोरावर? नहीं नहीं विक्रम, वो अपने आदमियों को साथ लाया होगा। जाओ, चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। विक्रम मान जाओ मेरी बात, जाओ जाओ। आइए आइए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे ना चीज के गरीब खाने पर तशरीफ लाए। आप जरा इशारा कर देते बंदा सर के बला। किस लिए? मुझे क्या हुआ है? मैं तो आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, हट्टा कट्टा। क्यों डॉक्टर, आपका कारोबार तो मजे में चल रहा है ना? आपकी दुआ से। डॉक्टर, बेहतरीन नमूना है कारीगरी का है? हाँ, मगर अब कहां रहे वो कारीगर। उस जमाने में भवानीगढ़ के महल में ऐसी मूर्तियां बेशुमार। आप तो जानते ही हैं, आप भवानी कराने के डॉक्टर रह चुके हैं, है ना? जी हाँ। क्यों डॉक्टर, 20 साल पहले उस रोज जब भवानीगढ़ जल रहा था, उस वक्त आप? मैं वहीं था। कैसे बचे? महल के पीछे की तरफ से एक सुरंग का रास्ता। हाँ 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 हाँ, एक सुरंग का रास्ता। एक सुरंग का रास्ता। जुड़वा बच्चे क्या हुए? सुना है आग में जल गए। हाँ हाँ हाँ, बेचारे आग में जल गए। हिम्मत, सुना डॉक्टर ने क्या कहा? आग में जल गए। आग में जल गए, आग में जल गए, आग में। डॉक्टर, ये तमाम किताबें पढ़ चुके हैं आप? करीब करीब। आप बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत पढ़े हुए हैं। आपसे बातचीत करके बेहद खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। आधा बस डॉक्टर। चलो हिम्मत,
हिम्मत, डॉक्टर बड़ी घुटी रकम है, हमें भी चकमा देना चाहता है। मेरा ख्याल है वो जुड़वा बच्चे भी उसी सुरंग से बच निकले होंगे। बेशक, क्या ख्याल है डॉक्टर हमारे यहां आने की खबर उनके पास न भेजेगा? आओ यहीं ठहर कर देखें। वो आया। जरा ठहरिए। जोरावर को मालूम हो गया है कि तुम दोनों जिंदा हो। अब ये मालूम करना है कि वो हैं कहां। तुम्हें इस ख्याल में डूबे हो कि कौन सा घर जीतना है, बोलोगे नहीं? आज तो जैसे बोलने की कसम खाली है। छोड़ो मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। रंजना, जब तुम्हारी आंखें ये नहीं जान सकती कि मैं कौन हूं और विजय कौन, तो तुम्हारा दिल कैसे जान लेता है? अगर तुम पहले मुझे देख लेती तो क्या मुझे को ना चाहने लगती? रंजना, काश तुम मेरे दिल का हाल। छोड़ो मुझे। रंजना, उमड़ घुमड़ बादल लहराए, मस्त मोरनी नाच रही, तीर सजाए देख शिकारी, बन बन हिरनी भाग रही, तुम मोरनी या हिरनी? रंजना, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं तो आंखें क्यों भरी हैं? रोना स्त्रियों का स्वभाव है ना। विक्रम, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ये रंजना का नाम क्यों खोद रहे हो? क्यों नहीं, प्यारा नाम है। प्यारे नाम तो दुनिया में और भी बहुत से हैं, फिर यही क्यों? विक्रम, रंजना क्यों रो रही है तुम्हें मालूम है? उसने नहीं बताया तुम्हें? ये क्या, इस तरह क्यों बोलते हो? सुनो, बताता हूं। मैंने उसे सीने से चिपटा कर
बाजुओं में दबोचकर प्यार किया। हां, बाजुओं में दबोचकर प्यार किया। मुझे इसी मौके का इंतजार था। अब मैं तेरी जान लेकर ही छोड़ूंगा। विक्रम, हमारा आपस में लड़ना बुरी बात है। ये बात तमाचा मारने से पहले सोचनी थी। क्या दीवाने हो गए हो? अगर भाई भाई से लड़ेगा तो दुश्मन से कौन लड़ेगा? विक्रम, मुझे इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। भूल जाओ ये बात। भूल जाऊं? तुम मेरे भाई नहीं, दुश्मन हो, जानी दुश्मन। तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत सुखी था। तुम आए और मेरी सुख शांति छिन गई। तुम क्यों पड़े हो यहां? अपने शहर को क्यों नहीं चले जाते? अपनी कसम के मुताबिक जोरावर को खत्म करने के बाद ही मैं यहां से हटूंगा, चाहे तुम साथ दो या नहीं। विक्रम, मुझे उम्मीद न थी कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम मेरे दिल की जलन क्या जानो। रंजना, 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 ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तुम दोनों भाई मेरे लिए आपस में झगड़ा करो। मैं ये सोचकर कांप उठती हूँ कि तुम मेरी वजह से अपनी कसम को भूल जाओ। विजय, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी याद को न भुला सकूंगी। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे। विक्रम, माधो, देखो रंजना यहां से चली गई। अगर जोरावर के हाथों में पड़ गई तो? परदेश न गया, मौसम सालोना है बरसात का, मौसम बरसात का, परदेश न गया जी। ना कौल भुलैयो, ना कौल भुलैयो, सजनी शादी की पहली रात का, मौसम बरसात का, ना कौल भुलैयो, सजनी शादी की पहली रात का, मौसम बरसात का, परदेश न गया जी। जिम 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 पड़े भावे भीगे के सलचोनी है, भीगे के सलचोनी। जिम 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 पड़े भावे भीगे के सलचोनी। अब के सावन संग रहा तो, अब के सावन संग रहा तो, सावन में भी होली। डर लागे मोहे चोरी चोरी की मुलाकात का, डर लागे मोहे चोरी चोरी की मुलाकात का, मौसम बरसात का, परदेश न गइया जी। साथ रहूं मैं दूर देश, ना भूलूं याद तुम्हारी, ना भूलूं याद तुम्हारी। साथ रहूं मैं दूर देश, ना भूलूं याद तुम्हारी। दिल्ली जाकर तुम्हें बुलाऊं, दिल्ली जाकर तुम्हें बुलाऊं, मानो बात हमारी। मैं संग चलूंगी, मैं संग चलूंगी, दोनों चारों साथ तेरी बात का, मौसम बरसात का, मैं संग चलूंगी, दोनों चारों साथ तेरी बात का, मौसम बरसात का, करके सुन जइयो जी। Thank you.
तुम्हारे यहां का ये रिवाज है कि घर आए हुए मेहमान का अपमान किया जाए? उस रोज जब मैं तुम्हारे यहां आया तो मुझे जीने पर खड़ा छोड़कर फुर से उड़ गई। शिकारी को देखकर चिड़िया उड़ेगी नहीं तो क्या करेगी? शाबाश तुम बड़ी हाजिर जवाब हो। वो जुड़वा भाई कहां है? जुड़वा भाई क्या मतलब? रंजना जब तुम सच को छुपाने की कोशिश करती हो तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और भी दिलफरेब हो जाता है। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा इस तरह पेश आता तो उसके लिए मैं और एक किस्म की सजा तजवीज करता, मगर तुम्हारी बात और है। अरे मगर खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मुझे जाना है। कहां? अपने घर। अपने घर? अब से हमारे तुम्हारे घर कोई दो थोड़ी है, ये सारा महल तुम्हारा ही तो है। रंजना कल ही हमारी शादी होगी। शादी बिना मेरी मर्जी के? उसका क्या, सारी तैयारियां हो जाने के बाद तुम ना थोड़ी करोगी। शादी हो जाने पर तुम्हारा दिल खुद ब खुद नरम हो जाएगा। तुम बहुत थक गई होगी, अब आराम करो। हिम्मत क्या ख्याल है? जी चाहता है कि गर्दन मरोड़ कर रख दूं। क्या सफेद झूठ बोलती है? झूठ बोलती है मगर किस अंदाज से? वो नहीं बताती तो न सही, उन जुड़वा भाइयों को तो हम यूं पकड़ लेंगे। मैं जो कहता हूं वो करो। उसी कबूतर के जरिए उन्हें खबर भेज दो कि रंजना यहां कैद है। मैंने कोना कोना छान मारा, रंजना का कहीं पता नहीं चला। वो देखो
रंजना जोरावर के कब्जे में है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। विक्रम, देखा तुमने, जिसका डर था वही हुआ, रंजना खतरे में पड़ गई है, आओ चले। हाँ विक्रम, ऐसे ही वक्त पर भाई भाई होता है। कैसा भाई, किसका भाई? विक्रम, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है, इस वक्त तुम्हें जरूर मदद करनी चाहिए। ये तुम्हारा अपना मामला है, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब, रंजना इस वक्त कहाँ है? क्या रंजना? हाँ हाँ, आप ही ने तो खत भेजा था कि वो जोरावर के कब्जे में है। मैंने तो ऐसा कोई खत नहीं भेजा। आपने नहीं भेजा? कहीं जोरावर की तो चाल नहीं? चौरे, तुझे मालूम है कल मेरी शादी है। दिन महाराज जोरावर सिंह बहादुर की रंजना देवी के साथ बड़ी धूमधाम से शादी होने वाली है। क्यों, ये तुम्हारे लिए मजाक की बात है? हाय हाय, पूछना भी गुनाह हो गया। हाँ तो वो राजी हो गई? राजी हो या ना हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ हाँ, मुझे क्या मतलब, 20-20 साल से मैं तुम्हारे इशारों पर नाची, तुम्हारी मर्जी की गुलाम बनी रही, तुम्हारा हर एक हुक्म सर आंखों पर रखा, उन सबके लिए आज ये सुनना पड़ा और न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? कर ही लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, दुनिया हंसेगी। इधर देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप चली जाओ। क्यों जी, मजाक को सच समझ बैठे ना आखिर। तो फिर तुम उससे जलती तो नहीं हो? लो, मैं क्यों जलने लगी, उम्र गुजर गई साथ रहते रहते, अब तो मुझे समझ ही ना पा। मैंने तो ये खुशखबरी सुनने के लिए पूछ लिया था कि वो मान गई है, वो भी यहाँ रहे तो मेरे लिए और अच्छा, कोई बोलने चालने को तो हो जाएगी। शाबाश नीलम, तुम में इतनी शराफत कहाँ से आ गई? 20 साल से जो आपके साथ रही हूँ, शरीफों के साथ रहने से क्या शराफत नहीं आएगी? कोई जौहरी आया है हुजूर से मिलने के लिए। जौहरी? वाह, क्या मौके पर पहुंचा, कहाँ है? महाराज नमस्कार, आपकी और आपकी रियासत की बहुत बहुत शोहरत सुन चुका हूँ, हर मुल्क हर शहर हर गली हर कूचे में आप ही की चर्चा सुनाई देती है, लोग आप ही का राग अलापते हैं, आप ही के गीत गाते हैं। क्या 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 कहते हैं लोग? क्या कहते हैं? कहते हैं देश भर की सुंदरियों में हीरा, एक हुस्न की मलिका से आप शादी करने वाले, जिसकी धूमधाम जश्न दावत नाच मुजरे तान टपे चहल पहल हंसी मजाक की खुश और दिलकश आवाजों से भैरवगढ़ इंद्रपुरी को मात कर देगा। खूब खूब, बहुत खूब, हमारी शोहरत से इतनी वाकफियत और दिलचस्पी रखने वाले सौदागर से हम जरूर कुछ न कुछ खरीदेंगे। शुक्रिया, मुलाहजा फरमाइए, ये आबदार मोती, ये देखिए नादिर नीलम, ये अनमोल मूंगा, ये लाल
पन्ना, पुखराज, मानिक, जमरुद और ये क्या है? हीरो का हार? हीरो का हार? हुजूर चंद्रहार, चंद्रहार। देखिए लपटे निकल रही हैं, चिंगारियां उछल रही हैं और कीमत भी बहुत मामूली है, सिर्फ 5 लाख। 5 लाख यानी 500,000। हुजूर को अभी इसके असली जोहर का पता नहीं। चाहे कैसी भी लड़की हो, इधर उसके गले में चंद्रहार पड़ा, उधर वो मदहोश होकर आपके कदमों में झुकी। ये तो बातें ही बातें हैं, मैं नहीं मानता। महाराज आप कुछ खरीदें या ना खरीदें परवाह नहीं, लेकिन ये ना कहिए कि मेरी बातें बातें ही बातें हैं। यही कुंदनपुर के महाराज ने कहा था। कौन? जी वही कुंदनपुर वाले। ओ, ओ, ओ। क्या हुआ उन्हें? हाँ यूं पूछिए ना, उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई। हाँ वो लड़की जो शादी का नाम सुनते ही भड़कती थी, जो ही उसने ऐसा हार देखा दौड़ती हुई आई और महाराज से इस तरह लिपट गई। ने, 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, माफ कीजिए मैं जरा जोश में आ गया था। हाँ तो उसके बाद? उसके बाद क्या? ब्याह रचा के बना लाया रे दुल्हनिया, लाया रे दुल्हनिया बस। तो तुम्हारा कहना है इस चंद्रहार में भी वही करामात है, है? हाथ कंगन को आरसी किया, आजमा देखिए। अच्छा आओ देखें। रंजना, रंजना। कौन? रंजना डर क्यों गई थी? हटिए, एक अजनबी को जवाब ले आए। नहीं नहीं ये अजनबी नहीं, अपने ही है। रानी साहिबा नमस्कार, मैं हीरो का सौदागर हार देने आया। ओ हार, अच्छे मौके पर हार देने आए। रंजना मैं तुम्हारे लिए अरे भाई तुम्हें चलकर पहना दो। मैं? नहीं नहीं आप ही को पहनाना चाहिए। अरे चलो भी पहना दो ना। नहीं नहीं अरे कहता हूं पहना भी दो। जो हुकुम। रानी साहिबा ये वो तवारीखी चंद्रहार है जिसमें दो नौजवान दिलों की तमाम मुश्किलें हल करने की तासीर है। जरा यहां बैठिए। क्यों जी वो तवारीख वाली क्या बात है? ओ वो वो तो कल्पनापुर की बात है। हाँ एक नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। हाँ मगर एक पाजी उनके रास्ते में आ गया। उस नौजवान ने वो हार लड़की के गले में यूं पहना दिया। तब क्या पाजी हाथ मलता रह गया। ओहो हो, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। वाह क्या कहने हैं, और इधर तो कमाल है महाराज। हार का सारा कमाल इस लॉकेट में है। महारानी साहिबा को ये बात बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। वाह चंद्रमुखी के लायक चंद्रहार। लेकिन रंजना तुम्हें हार पसंद है या नहीं ये तो तुमने बताया ही नहीं। इसमें बताना क्या है, इस घड़ी को मैं जिंदगी में कभी ना भूलूंगी। हाँ ये बात भाई सौदागर तुम्हारे हाथ में बरकत है, बड़े सब्ज कदम हो, शादी हो जाने तक तुमको यही ठहरना होगा। समझ लो कि तुम्हारी ही शादी है। जो हुकुम। रात के मुजरे कल की दावत सब में तुम्हें शरीक होना पड़ेगा, ना नहीं सुनूंगा। हाँ जो हुकुम।
रानी साहेबा, इज्जत अफजाई का तहे दिल से शुक्रिया। सौदागर अब चलो। एक बात कहना तो भूल ही गया, आज रात को नाच देखने के लिए राजे महाराजे जमींदार ठिकानेदार सभी आएंगे। तुम सुंदर सिंगार करके पूरी सजदस से वहां आना कि देखकर लोग दंग रह जाएं और एक जबान से कह उठें कि तुम ही भैरवगढ़ की महारानी होने के काबिल हो। हैं? हार कहां है? इसे उतार कर क्यों रख दिया? क्या हुआ तुम्हें? हटिए, एक अजनबी को लाकर उसके हाथ से हार पहनवा दिया। बस इतनी सी बात? लो मैं पहना देता हूं अपने हाथों से। कल तो आप पहनाएंगे ही, लाइए मुझे दीजिए, कपड़े बदल कर पहनूंगी। हाँ ये ठीक है, आज तुम्हारा रूप सिंगार आला दर्जे का होना चाहिए। हाँ हाँ रंजना, चंद्रहार जरूर पहन के आना। घबराओ मत, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। आओ मैं तुम्हें हर तरह की मदद दूंगी। रंजना मुझ पर विश्वास रखो, आओ जल्दी। सौदागर कहाँ चले? जाकर देखा कि मेरे जवाहिरात और आपकी दी हुई रकम हिफाजत से रखी है या नहीं। इसकी फिक्र न करो, महल में किसी तरह का डर नहीं। कौन जाने महाराज, कहते हैं कोई तिरछी टोपी वाला चारों तरफ लूट मार कर रहा है, कहीं महल ही में ना हो। क्या कहा? इस महल में? क्या पागलों की सी बातें करते हो, जहां मैं हूं उसके हजार मील तक वो कदम रखने की जरूरत नहीं कर सकता। चलो नाच देखें।
रंजना अभी तक क्यों नहीं आई? जाकर देखो। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, मैं किसी और को भेजता हूँ। नीलम, रंजना कहाँ है? उस हार का पेच खो गया है, उसे ढूंढ रही है। तो दादा साहब, आपके पास दूसरा पेच है क्या? हाँ हाँ है, क्यों नहीं, संदूक में है। तो जाओ जाओ, फौरन दे आओ। नीलम, रंजना से कहो कि हार पहनकर जल्द आए। बड़ा अच्छा हुआ आप ऐन मौके पर पहुंच गई। मालूम है रंजना कब से इंतजार कर रही है आपका। गाड़ी कहाँ है? बाहर खड़ी है, मैं जाती हूँ, कोई देख ना ले, होशियार। तुमने उसे अच्छी तरह देखा था? क्या ये वही है? हाँ सरकार, बड़ी अच्छी तरह वही है, जो ना हो तो हजार घोड़े। अब कोई डर नहीं, चलो। सौदागर साहब कहाँ चले, दुआ सलाम के बगैर ही चल दिए। तुम जैसे जलीलों से दुआ सलाम करने की मैंने जरूरत नहीं समझी। ले जाओ उसे। क्यों, अजनबी था ना वो? खैर, मुझे तो फायदा ही हुआ, 5 लाख का हार और जुड़वां भाइयों में से एक का मिलना क्या मामूली बात है। ले जाओ इसे भी। मैं यहां क्यों बुलाया गया हूं मालूम हो जाएगा, चलिए इसे। जानते हैं आप इसे? मैंने पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? डॉक्टर, महेंद्र सिंह को तो देखा है, क्यों? जी हां, गौर से देखिए, देखिए गौर से। अब बताइए, उस महेंद्र सिंह के जुड़वा बच्चों में से ये एक है या नहीं? मैं नहीं जानता। जी नहीं जानते, ये सब आप नहीं जानते, लेकिन कबूतर के जरिए खबर भेजना जरूर जानते हैं। कहां है तेरा भाई, कहां है तेरा भाई? तुम समझते हो मैं इसका जवाब दूंगा। हिम्मत, तुम पूछो। क्या हुआ? मुझे कोई मार रहा है, कोड़े से मार रहा है। विजय पर मार पड़ रही है, मैं बहुत खुश हूं। मार बंद हो गई। बेहोश हो गया। डॉक्टर, इसे होश में लाइए।
सोच क्या रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं? क्यों? चाहे जितना मारो, मालूम होता है ये जबान नहीं खोलेगा। देखते हैं। क्या डॉक्टर आया होश में? विजय इसे पी जाओ, इसमें तुम्हारा फायदा। मेरी खातिर पी जाओ। क्यों डॉक्टर हो चुका? जी कहाँ है तेरा भाई? हिम्मत फिर कोड़े खूब कोड़े पड़ने दो, उसे मरने दो, उसे मरना ही चाहिए। विक्रम विजय तो वहां तड़प तड़प कर मर रहा है और तुम यहां खुश हो रहे हो। अगर तुम में जरा भी इंसानियत है तो जाओ उसकी मदद करो। उसकी मदद करूं? विक्रम मेरी बात मानो, विजय तुम्हारा सगा भाई है, फौरन चले जाओ। सगा भाई? उसकी मौत ही मेरी जिंदगी है। क्या तुम इंसान हो? भाई के दुश्मन? अगर तुम नहीं जाते तो मैं जाता हूं। जाने को कदम उठाया तो गोली मार दूंगा। मार एहसान फरामोश, मार गोली। जिसने तुझे बस्तियों से दूर इस जंगल में 20-20 साल तक गोद में पाला पोसा, छाती से लगाकर बड़ा किया, अगर तू उस पर गोली न चलाएगा तो और किस पर चलाएगा? अपनी मां को, खानदान को और सगे भाई को दगा देने वाले बुजदिल, पवित्र कसम को तोड़ने वाले दगाबाज, मार गोली। क्यों क्यों नहीं चलाता गोली? देहया तेरा सगा भाई अपने खानदानी दुश्मन जोरावर के पंजे में फंसकर मौत की घड़ियां गिन रहा है और तू यहां चैन की बसी बजा रहा है। लानत है तुझ पर। विक्रम हमारे खानदान का नामो निशान मिटा देने वाला दुश्मन जोरावर सिंह अभी जिंदा है। जोरावर, जोरावर, कसम है मुझे इस कुल देवी की टूटी हुई प्रतिमा की, कसम है मुझे इस पवित्र भूमि की जिस पर मेरे माता पिता जी और मरे। जब तक अपने खानदान के दुश्मन जोरावर सिंह को नेस्तो नाबूद न कर दूंगा तब तक मैं चैन से न बैठूंगा। देहया तेरा सगा भाई अपने खानदानी दुश्मन जोरावर के पंजे में फंसकर मौत की घड़ियां गिन रहा और तू यहां चैन की मसी बजा रहा है। लानत है तुझ पर। विजय, विजय, मर गया। अच्छी तरह देखकर बताइए। जी हाँ मर गया। उतार लो भवानी वंश के आखिरी दो निशानों में से एक मिट गया। एक इल्तिजा। क्या? आपके कहने के मुताबिक ये आदमी भवानी वंश का है, मैं उस खानदान का पुराना खैरखा हूं। अर्ज ये है कि भवानी वंश के मर्तबे के मुताबिक लाश की अंतिम क्रिया करने की आप मुझे इजाजत दें। हाँ आप ही की मदद से ये दुनिया में आया था, बेहतर है अब आप ही के हाथों ये दुनिया से वापस जाए। शौक से ले जाइए। आपने डॉक्टर के चेहरे की तरफ गौर किया? एक शिकन तक नहीं थी।
अच्छा तो ये था कि सबसे पहले उसी के कोड़े लगाए जाते। जरा गम खाओ, अभी एक और बाकी है, उसके बाद डॉक्टर साहब की मिजाज पुष्टि की जाएगी। यहां ले आओ, मेज पर लेटा दो। डॉक्टर साहब, विजय जोरावर के हाथों। ओह, क्या चल बसा? नहीं, मैंने एक ऐसी दवा दे दी थी जिसके असर से ये कुछ देर के लिए बेजान सा हो गया। अब दूसरी दवा दी, होश में आ जाएगा। विजय, विक्रम, रंजना, तुम्हारे सारे कसूर माफ कर दूंगा, तुम्हें रानी बनाने को भी तैयार हूं, मगर शर्त यह है कि तुम उन जुड़वा भाइयों में से दूसरे का भी पता निशान बता दो। ये क्यों बताए? मैं बताता हूं। ओह, दूसरा भी? हां, दूसरा।
मेरे खानदान को नेस्त नाबूद करने वाले जालिम, आज मैं तुझसे बदला लेने आया हूं। कहां है मेरा भाई? तुझे भी वही पहुंचा देता हूं। भवानी वंश का आखिरी निशान भी मिट गया। कौन कहता है? हैं? तुम कौन? तेरी मौत। अब अपने आखिरी वक्त के लिए तैयार हो जा। पीछे क्यों हटता है? मैं पीछे हटूंगा? कसम पूरी हो गई। अगर कभी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। ये मेरा आखिरी वक्त है। ऐसा ना कहो विक्रम, तुम जिंदा रहोगे। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। डॉक्टर साहब तुम्हें जरूर बचा लेंगे। पिताजी, डॉक्टर साहब, विक्रम को बचाइए। किसी तरह मेरे विक्रम को बचाइए। विजय,
विक्रम हमें छोड़ गया। विक्रम, विक्रम, डॉक्टर साहब विजय रो मत। विक्रम ने अपनी थोड़ी सी जिंदगी में अपने खानदान की बेइज्जती का बदला ले लिया। यही इसकी जिंदगी का मकसद था जो पूरा हो गया। इसके हक में जिंदा रहकर दूसरे के जज्बात और ख्यालात का मोहताज बना रहने के बदले दुनिया से उठ जाना ही बेहतर रहा। इसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।